और वहीं बड़ी खबर, धामी कैबिनेट ने कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। कैबिनेट ने होमगार्ड का डीए देने की मंजूरी कर दी है। सिंचाई विभाग में नियमावली 2022 को मंजूरी मिली है। साथ ही साथ हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जल्द होंगे। कैबिनेट में चुनाव कार्यक्रम तय करने के निर्देश दिए गए हैं। कैंपा की ऑडिट रिपोर्ट को भी मंजूरी मिली है। साथ ही सदन के पटल पर यह ऑडिट रिपोर्ट रखी जाएगी। शहरी विकास विभाग के वन टाइम सेटलमेंट को मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने योजना को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी है। तो उत्तराखंड में होमगार्ड को मिलेगा डीए अब मानदेय 200 रुपए के प्रतिदिन की बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे। कैंपा की ऑडिट रिपोर्ट को भी मंजूरी दी गई। 23 प्रस्ताव पर कुल कैबिनेट की मीटिंग के दौरान इस बैठक में मुहर लगी है। मानदेय बढ़ाकर जो है 200 रुपए की प्रतिदिन करने की बात पर मुहर लग चुकी है। धामी कैबिनेट में 23 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। कैबिनेट के अहम फैसले की बात करें तो होमगार्ड को डीए देने का फैसला किया गया है। साथ ही साथ सिंचाई विभाग मेट नियमावली 2022 को मंजूरी मिली है। हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जल्द होंगे, ये फैसले में लिया गया है। कैबिनेट में चुनाव कार्यक्रम तय करने के निर्देश दिए गए। कैबिनेट के अहम फैसले में आपको बता रहे, कैंपा की ऑडिट रिपोर्ट को भी मंजूरी मिली है। सदन के पटल पर ऑडिट रिपोर्ट रखी जाएगी। शहरी विकास विभाग की वन टाइम सेटलमेंट को भी इस कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने योजना को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी है। तो कुल 23 प्रस्तावों पर धामी कैबिनेट के में इसमें मुहर लगी है। कल धामी कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कुल 23 प्रस्ताव पर मुहर लगी। देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक हुई थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, 23 प्रस्ताव पर कुल मुहर लगी है, डीए जो है वो 200 रुपए के हिसाब से कर दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल। कल देर शाम ये कैबिनेट की मीटिंग थी, जो कि विधानसभा का सत्र आहूत है, प्रेस की ब्रीफिंग नहीं होती है। और कैबिनेट ने जो फैसले लिए थे, उन फैसलों में एक महत्वपूर्ण ये था कि अब हरिद्वार जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करने के लिए सरकार ने हामी भर दी है। सरकार ने कहा है कि हरिद्वार में पंचायत चुनाव कराने के लिए जल्द ही निर्देश जारी किए जाएं, यानी अब सरकार के निर्देश के बाद, कैबिनेट की मंजूरी के बाद, अब राज्य निर्वाचन आयोग जिसमें जल्द ही फैसला लेगा। दूसरी बड़ी बात यह थी कि जो होमगार्ड के जवान हैं, उनका जो डीए है वो पुलिस कर्मियों के बराबर हो, इस पर कोर्ट ने निर्देश दिए थे। लेकिन उत्तराखंड में उनको 600 रुपए के हिसाब से मानदेय दिया जा रहा था, जिसमें वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे और मामला कंटेम्प्ट का उन्होंने उस वक्त कहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा निर्देश दिए थे। इसलिए सरकार को ये करना ही था। कैबिनेट ने विचलन के आधार पर फैसला लिया है। विचलन से सब मतलब समझा दूं आपको, कैबिनेट में जिस पर चर्चा नहीं होती है, सीएम का अधिकार होता है, सभी ने उस फाइल में सिग्नेचर किए हैं और ये तय हुआ है कि 800 रुपए प्रति दिन के हिसाब से, यानी अगर 30 दिन किसी होमगार्ड को काम मिलेगा तो 24,000 के करीब उसको वेतन मिलेगा। ये कल की कैबिनेट में तय हुआ है। इसके अलावा विधानसभा सत्र 14 से 20 देहरादून में ही होगा। इसके अलावा उत्तराखंड जो शिक्षा बोर्ड है, इसमें सीबीएसई के पैटर्न को तो एडॉप्ट किया गया था, लेकिन मार्किंग सिस्टम सीबीएसई का नहीं था। अब ये तय हो गया है कि सीबीएसई की तर्ज पे ही आप एग्जाम में मार्किंग भी करेंगे, इसको भी एडॉप्ट किया गया है। सेना में जो शौर्य और वीरता पदक होते हैं, उनको उनकी राशि को एकमुश्त बढ़ाने का फैसला लिया गया। जिसके बाद अगर बात करूं तो परमवीर चक्र अगर किसी को मिलेगा तो 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख दिया जाएगा। महावीर चक्र 20 लाख से 32 लाख, कीर्ति चक्र 20 लाख से 35 लाख, वीर चक्र 15 से 25 लाख, शौर्य, तो ये तमाम जो फैसले हैं ये लिए गए थे। इसके साथ ही एक जरूरी फैसला ये भी था कि सिंचाई विभाग की जो मेड सेवा नियमावली है उसको मंजूरी दी गई है। कुछ विधेयक भी पास किए गए हैं, कैबिनेट से मंजूर किए गए, जो सदन के पटल पे रखे जाएंगे। इसमें कैंपा की वार्षिक रिपोर्ट है जिसे सदन के पटल पे रखा जाएगा। और इसके साथ कुछ निजी यूनिवर्सिटी के फैसले हैं, यूनिवर्सिटी के अधिनियम है उनको रखा जाएगा। जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम का संशोधन विधेयक 2022 कैबिनेट ने पास किया, जिसको सदन के पटल पे रखा जाएगा। ठीक है सुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी और कुछ और खबरों पर हम आपसे जानकारी लेंगे।
बढ़ते आगे, बड़ी खबर बताते देहरादून से, जहां आईएस रामविलास यादव के सरकारी आवास पर छापेमारी जारी है। आय से अधिक संपत्ति के मामले विजिलेंस टीम का छापा पड़ा है टीरी हाउस समेत।